हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोकोनट फ्लावर के शवरमा बनाने वाले हैं, जो कि बहुत सारा प्रोटीन से भरा हुआ है और खूब सारा फाइबर भी मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट फ्लावर। आप कीटो फ्लावर या फिर आलमंड फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें खूब सारा फाइबर कंटेंट होता है और ये ग्लूटेन फ्री है। ये आटा देखने में ही अलग सा रहेगा, नॉर्मल आटा जैसा नहीं है। ये हम 2-3 टेबल स्पून्स इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमने साइलम हस्क यानी कि इसबगोल ये इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसबगोल का इस्तेमाल किया है। इसमें खूब सारा फाइबर होता है। और हम यहाँ पर हिमालयन पिंक सॉल्ट ले रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। और सब अब हम यहाँ पर आटा गूंद लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट फ्लावर लेंगे। अगर आपको कोकोनट फ्लावर अवेलेबल नहीं होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अमेज़ोन से ख़रीद सकते हो। इसबगोल का भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद लीजिए। मैंने इसबगोल, हल्का सा पिंक सॉल्ट और कोकोनट फ्लावर, इन तीनों ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को एक बार मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप डाइट पर हो तो ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है और इसको हम टेस्टी ज़रूर बनाएंगे। ऊपर से हमने 1/2 टीस्पून घी डाला है। इसको अच्छे से हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। अपने हाथ अच्छे से साफ कर लें और एक बार इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें घी के साथ। और ये एकदम ग्लूटेन फ्री आटा है तो हम इसके अंदर वॉर्म वाटर डालेंगे। इससे थोड़ा ग्लूटेन क्रिएट होगा और आटा गूंदने में आसानी होगी। जैसे ही हम पानी डालकर इस आटे को गूंदेंगे तो ये साइलम हस्क यानी कि ये सब घोल जो है वो फूलने लगेगा और थोड़ा ज़्यादा ही पानी अब्जॉर्ब करेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाइए और इस आटे को मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमने थोड़ा ही आटा लिया था लेकिन ये जैसे ही हम पानी डालते जा रहे हैं ये आटा फूलकर ऑलमोस्ट डबल साइज़ में बन जाएगा। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और इस आटे को गूंद लिया है। इसका डो जो है वो नॉर्मल डो की तरह बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ा ड्राई ड्राई रहेगा, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं इसका प्रोसीजर आपको बता दूँगी। अब हम इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। अब 1/2 घंटे बाद हमने इसको चेक कर लिया। ये देखिए आटा कितना ड्राई लग रहा है, लेकिन ये आटा नॉर्मल ऐसे ही बनता है, लेकिन रोटी भी बन जाएगी। हम इसको एक बार अच्छे से एक और बार गूंद लेंगे हाथों से। ये देखिए, ये आटा एकदम तैयार है, इकट्ठा होकर एक साइड पर आ गया है। अब हम एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लेकर इस तरह से उसको रख लेंगे और इकट्ठा करके एक लोई बना लेंगे, यानी कि एक पेड़ा बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से एक पेड़ा लिया है। इसको हम एक हल्का सा नॉर्मल बॉल बना लेंगे इसका, और ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट पेपर रखकर इसको बेल लेंगे। ये लीजिए, हमने इसका नॉर्मल एक बॉल सा बना लिया है। ऊपर से हम इसको टैप करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब ऊपर से हम इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट पेपर रखेंगे और इसको बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी के आटे की तरह ही बेलिए। ये साइड से क्रैक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही बनती है। इसको इसी तरह से फैला लीजिए। हम इसको प्रॉपर शेप इजीली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लीजिए, हमने इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेंगे, एक थोड़ी सी थिक ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा पतली बन जाएगी तो इसको पलटाने में बहुत मुश्किल होगी। ये लीजिए, हमने इस तरह से एक कोकोनट फ्लावर की रोटी बेलकर तैयार कर ली है। ऊपर से ट्रांसपेरेंट पेपर हटा दीजिए और फिर हम इस तरह से कोई भी आपके किचन में जिस साइज़ का लिड मिलेगा
उस तरह की एक लिप को लीजिए और इस तरह से रख कर एक कुकी कटर की तरह हम इसको कुकी कटर की मदद से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लिड लिया है, उसको इस तरह से राउंड कट करके एक्स्ट्रा जो साइड्स पर आया था क्रैक होके वो निकाल लिया है। अब हम इसको एक नॉनस्टिक के पैन पर सेक लेंगे। हल्का सा नीचे से हम ऑलिव ऑयल या घी लगा लेंगे और ऊपर से इस रोटी के आटे को डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से मैंने ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट टॉर्टिला की तरह लग रहा है, ये शवरमा के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए फिर हम शवरमा की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 बॉयल्ड एग्स को चॉप करके रख लिया है। ऊपर से हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। ध्यान रखिए चाट मसाले में भी थोड़ा नमक होता है। और हम हल्के से ऊपर से 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ हंकर्ड यानी कि दही ले लेंगे, योगर्ट, और ऊपर से फ्रेशली चॉप्ड धनिया डालकर उसको मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये रोटी पर मिंट चटनी या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी सॉस या मायोनीज लगा सकते हो, और इस फिलिंग को इस तरह से बीच में रख कर ऊपर से हम थोड़े से कैप्सिकम और ऊपर से हम थोड़े अनियंस भी डाल देंगे, और थोड़ा सा और मैं मिंट चटनी डाल रही हूँ, और ऊपर से हम हल्का सा लेमन का जूस स्क्वीज कर देंगे, और इस तरह से इसको रैप करके गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने एक शवरमा के लिए 1 एग का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल होममेकर नगमा को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करिए, इससे आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। अच्छा तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।